अया घसा रहा अया रहिया अया घसा घसा रहा घस तो या एक एक नाच में घेर थड़ धरा ताका जी अया 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 तो दूर जानी को रहा पाथ रहूं ए शाबाश एना जी मैं बयानी कम से कम पर ने छोड़ इलेक्शन लाना हरी मैं काफी दिन ले मैं इलेक्शन लाना हरी ए यार टाटा हेलो हेलो कर सर अया जी अया जी अया जी चवा हम ठीक छौ जी खरो छौ हम पाथे बुरा हाल हो ना यार जी पी 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 मैं तो यार जी भैया मैं से कोई वीडियो बनते में जार मानते कोई ए जी एक जरा की वीडियो से बड़े साहब ना कि आज काड़ो चौथ और काड़ो चौथे दिहाड़ी आज कतरो हम शीतो यहरा जी यहरा यहरा बढ़िया 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 की करनो बर्फबारी भी बहुत हो रही है कड़वा चौथ भी है सब त्योहार भी है बर्फबारी भी सब कुछ साथ में मनाना पड़ता है अब देख सकते हैं ये क्या करें फिर कैसे बादल डे हूँ फैनो बचला पड़ता तो न दे बच्चो ये अंत एड़े हूँ फैट तो पैराशूट वालो ऐ क्या है वहाँ तक और क्या ये कौश के त्यौहार है हुए मजा हाँ हाँ ओके और बाड़ी सारे जरा बाइक की सड़क हाँ त्यौहार ये जी वापस नेस भी ने मेरी ये सरदार नी यानी तेनू उम्र मेरी लग जावे। दोस्तों आप जानते हैं कि कल से बर्फ़ पड़ रही है और 3-3 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है। आपको मैं ये बता दूं क्लियर 3 फुट मीटर तक बर्फ है और अभी पड़ रही है और मैं अपने छत पे बर्फ़ उठा रहा हूं और आज कड़वा चौथ भी है और ते कड़वा चौथ का जो रस्म है उसको निभाती हुई और बाबू उसका मज़ा लेता हुआ क्योंकि मैं छत पे बैठा हूँ बर्फ़ उठा रहा हूँ यहाँ पे और तू क्या वो जाही है और बस फिर मैं बर्फ़ फेड़ रहा हूँ फिर सबके साथ राम सलामी नमस्ते हमारे यहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ी रस्म होती है वो निभानी पड़ती है तो मैं भी उसमें शामिल और अपनी बर्फ़ छत से उठाने में भी शामिल। ये मेरा गरीब का मकान है क्या करूँ अभी अनकम्प्लीट ही है लेकिन चलो तंदुरुस्ती रही तो हो ही जाएगा एक ना एक दिन। तो मौसम बिल्कुल ख़राब बादल धुंध और यहाँ पर काफ़ी माहौल गर्मा गर्माता हुआ क्योंकि ये देख सकते ऊपर चले छत पे मीटर से ऊपर आपको बर्फ़ दिख रही है नया मकान है मीटर से ऊपर है। मेरे जंगल का क्या हाल है जिसके मैं जिसका मैं 25 साल से हुक्मरान हूँ और मेरा जंगल अभी इसमें कौन जाए लेकिन क्या करूँ जाऊंगा इसमें भी अगर मौसम साफ रहा तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ये कुर्बान होता है इससे ये लकड़ी का है इससे ही ये बर्फ़ उठाई जाती है आप देखना मैं आपको बताऊंगा मैं इसी से उठा रहा हूँ ये लकड़ी का होता है बेलचे की तरह लेकिन ये सीधा होता है इससे हम बर्फ़ उठाते हैं। पार भंजोगा का गाँव लगभग साफ नहीं दिखता हुआ क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब गर्मियों में जो यह है तो इन इलाकों में इन नदी नालों में क्या हालात होंगे कितना पानी होता होगा इनमें और किस तरीके से नदी नाले जो हैं तो अपने उफान पे होते कितना पानी होता है कितना बढ़िया होता है। आज पूरा पानी जो है सूख चुका है नाले बिल्कुल सूख चुके हैं आप देख सकते हैं जहाँ तक मेरी नज़र जाएगी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं पूरे पेड़ जो है बर्फ़ से दब चुके हैं आप ये देख लीजिए काफ़ी सुंदर नज़ारा काफ़ी अद्भुत नज़ारा कहा जाएगा।
और ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया। और वहाँ पार से आप देख सकते हैं कुछ लोग चक्की पे, यहाँ पर पानी वाली चक्की होती है जिसको घराट कहा जाता है, तो चक्की पे कुछ लोग जाते हुए तो मुझे दिख रहे हैं। मैं काफ़ी दूर हूँ उनसे, बातचीत तो कर नहीं सकता ये कौन है कहाँ से हैं। और आपको एक बार फिर पूरा इलाका दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख लीजिए, ये नागनी का नाला, एक ये नाला मिलके, लेकिन आज ही नालों के हालात ख़राब, क्योंकि दोस्तों आज आप देखते हैं कि क्या हालात है, कितनी बर्फ है पहाड़ी इलाकों में, काफ़ी बर्फ। तो दोस्तों राम राम, आदाब। मैं इस वक्त पंचायत चांटी में हूं और आप देख सकते हैं यहां पर एक रीति है, ये युगों से पुरानी रीति है, आज की नहीं है। यहां के लोग चाहे बर्फ हो, जितना सैलाब हो, तूफान हो, यहां पर महलनाग का मंदिर दिखाऊंगा आपको, मंदिर के पास आते हैं हर एतवार के दिन और पूजा पाठ करते हैं।